इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा वहाँ, जिस छोर पे था झूठा मेरा, हाथों से तेरे हाथ, जिसने आसाया, जिसने रुलाया। हे गाइस, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत माउंटेन्स के बीच से। एंड इस समय मैं हूँ उत्तराखंड के मिनी कश्मीर कहलाने वाले डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। जो भी व्यूवर्स कभी नैनीताल या मुंशहरी विजिट करने गए होंगे वो इस प्लेस को शायद अच्छे से जानते होंगे। यार, मनाली एंड शिमला तो मोस्टली सभी जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप भी इस बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस को विजिट करें। एंड आज के व्लॉग में हिमालय एंड माउंटेन्स के दिल छू लेने वाले नज़ारों के साथ आप देखेंगे ये ओनरशिप रिव्यू। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद पंकज। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ओनरशिप रिव्यू। बेसिकली इसको ओनरशिप रिव्यू के साथ हम एक ड्राइव अराउंड और यह एक वॉक अराउंड वीडियो भी कह सकते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी व्यूवर्स के लिए और उन सब सब्सक्राइबर्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इन फ्यूचर हुंडई की क्रेटा को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो परचेज करना चाह रहे हैं। मैं खुद एक हुंडई क्रेटा का ऑनर हूँ और मैं पिछले 2 साल से इसको चला रहा हूँ और मैंने इसको अप्रोक्स 14,000 किलोमीटर्स चला दिया है। और मैंने इसको हर एक ट्रेन में चलाया हुआ है, चाहे वो अपने पहाड़ों, हाईवेज हों, प्लस में मड में, सब में मैं इसको लेते गया हूँ और हिल पे भी लेके गया हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा इसका पूरा रिव्यू कि मेरा इन 2 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो ये जो हुंडई क्रेटा खड़ी हुई है ये SX डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन पे है। बात कर लेते हैं इसके इंजन कैपेसिटी की। 150 PS पावर एंड 250 Nm का एक टॉर्क देती है। ये बहुत ही टॉर्की इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है। तो जो लोग पहाड़ों पे लेके जाना चाहते हैं इस गाड़ी को, बेशक वो ले सकते हैं क्योंकि इसका इसका जो पावर आउटपुट है बहुत अच्छा है। ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। मैं आपको इसका इंजन दिखा आपको मैं इसका हुड इंजन हुड खुद खोल के दिखा देता हूँ। गाइस, इतना हल्का भी नहीं है, काफ़ी भारी है। तो जब आप इसको फील करेंगे तभी, जब आप इसको उठाएंगे तभी आपको फील हो पाएगा। तो बात कर लेते हैं इंजन की। ये देखिए इसका CRDI 16 वाल्व 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो आपको पावर देता है 150 PS 250 Nm टॉर्क। तो इंजन की बात करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इंजन के संग बहुत अच्छा रहा है। 2 ईयर्स से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसी कभी दिक्कत नहीं आई, पहाड़ों पे हो चाहे हाईवेज पे हो। बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत टॉर्की इंजन है, बहुत पंची इंजन है, जिसको बोलते हैं पंच। काफ़ी अच्छा खासा सा पंच आपको देता है। जो इसका बहुत साइलेंट है, कवरिंग इसकी दी गई है। जो इंजन की जो साउंड है इंजन का, इंजन नॉइज़ बिल्कुल भी केबिन पे बिल्कुल भी नहीं आती है। और बहुत अच्छा इंसुलेशन इन लोगों ने दिया हुआ है। चलिए इसको हुड को हम कर लेते हैं बंद। इस पर आते हैं ड्राइव बीम हेडलैम्प। तो इस पर 3 लैम्प्स हैं, 2 की LED हैं और इस पर एक हाई बीम लैम्प है और 2 लो बीम पे चलते हैं। और ये हो गए इसके DRLs। देखने से काफ़ी बल्की और मस्कुलर गाड़ी लगती है। गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ हुंडई क्रेटा SX डीजल मैनुअल। ये देखिए इस पर SX की बैजिंग की गई है। तो बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। काफ़ी मैसिव इसका बूट स्पेस है, 433 लीटर इसका बूट स्पेस है। तो इस पर आप अपने बड़े से 3 सूटकेस बड़े से आराम से कैरी कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। अगर आप लंबे ट्रिप में भी जाते हैं तो इसमें बहुत सारा आपका सामान आ जाता है और काफ़ी ईजी पड़ने वाला है। इस गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं 17 इंच के व्हील, 215/60 R17 17 इंच के अलॉय व्हील्स इस पर दिए गए हैं।
तो चलिए आपको ले चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं इसका इंटीरियर। गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, चलिए आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। तो दोस्तों इसका इंटीरियर काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल सा दिया गया है। ब्लैक एंड बेज की यहाँ पर बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन दी गई है ये। और मैं एक मज़े की बात आपको बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर मुझे सबसे जो बहुत अच्छी सी बात लगी जो इसका स्टीयरिंग व्हील ग्रिप आती, बहुत अच्छी ग्रिप आती है। और सबसे इसकी अच्छी बात है ये डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिससे गाड़ी ड्राइव करते समय मोड़ों पे या पहाड़ों पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहती है। एक अलग ही लेवल का इस पर आपको मज़ा आता है। तो इसके साथ हमें मिलता है 10.2 इंच का HD स्क्रीन। देखिए आप 10.2 इंच का इस पर स्क्रीन दिया गया है, जिसका अगर मैं रिव्यू करने बैठूँ तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका रिव्यू आपको कभी बाद में दिखा दूँगा, अगर आपकी डिमांड रही तो फिर दिखा दूँगा। वैसे आप देख सकते हैं हल्का फुल्का, इसको पूरा रिव्यू मैं आपका इसके बाद में लेके आऊँगा। इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स दिए गए, क्योंकि वैसे भी ना ये गाड़ी फ़ीचर्स के लिए जानी जाती है। इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स Hyundai कंपनी ने दे रखे हैं, फ़ीचर लोडेड गाड़ी है। तो देख सकते हैं आप, व्हीकल नेविगेशन, ऑन कनेक्शन, ब्लू लिंक सेटिंग, एडवांस जनरल साउंड, डिस्प्ले, वॉइस रिकॉग्निशन, तो ये कुछ इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। जब आप इसको हाईवेज पर चलाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको तब आने वाला है, क्योंकि जो इसका 10.2 इंच का वाइड स्क्रीन दिया गया है, इस पर जो ये नेविगेशन का सिस्टम आता है, ये बिल्कुल फ्रेंड्स लाइव वर्क करता है, बिल्कुल लाइव ट्रैफिक आता है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप इसको हाईवेज पे लेके जाते हैं। स्टीयरिंग पे इसके माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए, जिसके द्वारा आप बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। आप अपने स्टीरियो सिस्टम को यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। कॉल पिक एंड कॉल ड्रॉप और कॉल कट करने की इसमें सारी फैसिलिटीज दी गई है। ये रहे क्रूज़ कंट्रोल सेटिंग, क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग, ठीक है, आप यहाँ से अपना क्रूज़ सेट करके गाड़ी को चला सकते हैं। और इधर पे को दिए गए हैं इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन, इंजन स्टार्ट स्टार्ट एंड स्टॉप, और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, हेड लेवल का बटन दिया गया है। इससे आप अपनी जो ट्राइबीम हेडलैम्प है, LED हेडलैम्प, उनकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एक शानदार फीचर और है कि फ्रेंड्स इस पे आता है वायरलेस चार्जर। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को इस पे रखेंगे तो फ़ोन आपका चार्ज होने लग जाएगा। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। मेरा मेरा फ़ोन और मैंने इसको रखा वायरलेस चार्जर पे। देखिए गाइस ये चार्जिंग होने लग गई है। आपका इनमें इन चारों में से कोई भी डोर ओपन रहेगा तो ये वायरलेस चार्जर काम पे इस कंडीशन में काम नहीं करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये चारों डोर अपने क्लोज होने चाहिए, तभी आपका वायरलेस चार्जिंग वर्क करेगी। और ये रहा इसका गियर नॉब, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें 6 gears दिए गए, एक रिवर्स। आप ये देखना चाहते हैं कि पीछे आपके कौन सी गाड़ी चल रही, तो आप इस बटन को दबा दें। इस बटन को आप दबाएंगे तो आपका पीछे का व्यू आ जाएगा। ये व्यू अभी, ये देखिए, ये व्यू अभी आपको नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी अभी पार्क पोजिशन में खड़ी हुई है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी और इसमें कोई गियर में गियर एंगेज करूँगा, तो अगर आप उसके बाद इस बटन को दबाते तो आप इसमें पीछे का लाइव व्यू देख सकते हैं। इसमें आता है दोस्तों ऑटो AC, आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी ब्यूटीफुल इंटीरियर इसका बनाया गया है। ब्लैक एंड बेज कलर का इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है। और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको बिल्कुल भी ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है, बहुत एयरी फील होती है गाड़ी। गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर सीट दी गई है काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है। मेरी हाइट 6 feet है और मैं इस पर बिल्कुल आराम से बैठ जाता हूँ। ये देखिए मेरा बैठने का पोस्चर, मेरे दोनों नीज फ्री हैं, मतलब यहाँ टच नहीं होते, मतलब टच भी होते तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है। लॉन्ग ड्राइव करते हैं, मैंने काफ़ी से लंबी ड्राइव भी करी हुई है। हर सीट पे बैठ के आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है, क्योंकि दोनों एजेस, बोनट के दोनों एजेस आपको इस सीट से दिखाई देते हैं, जिससे आपका रोड जस्टिफिकेशन अच्छा होता है और अच्छे से अपनी ड्राइव कर पाते हैं। तो चलिए पीछे की सीट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पीछे कितना स्पेस है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा नी स्पेस मुझे मिला हुआ है। और मैंने आगे ड्राइवर की सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है, तो आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से बैठा हूँ यहाँ पर को। और ये जो पीछे की रियर सीट है, पीछे को रिक्लाइन भी हो जाता है, 2 step इसमें रिक्लाइन हो जाता है। इस पर रियर इसका नॉब यहाँ पर को दिया गया, आप देख सकते हैं ये रहा इसका नॉब। अगर आप इस नॉब को आगे करेंगे तो 2 step पीछे आगे पीछे चले जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसका दिया गया है। गाइज इस पर दिया गया है एक आर्मरेस्ट, रियर सीट पे आर्मरेस्ट दिया गया है, जिससे काफ़ी जिससे लॉन्ग टूर पे जो इसमें पैसेंजर्स बैठे थे काफ़ी उनको रिलीफ मिलने वाला है। ये देखिए इसमें 2 cup होल्डर्स हमको दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं, चाहे तो आप इसको बंद कर दें। अगर आपने 3 लोगों को बैठाना है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। और ये रहे इसके रियर AC वेंट्स, जो काफ़ी अच्छी कूलिंग करते हैं।
और मैं पीछे से आपको उसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से लगती है हमारी हुंडई क्रेटा। एंड गाइस, इस पे जो सबसे यूनिक फीचर दिया गया है वो तो मैं आपसे शेयर करना ही भूल गया, वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैसिव सनरूफ इस पे दी गई है, जो जब खुलती है तो काफ़ी अच्छा सा व्यू आपका मिलता है और बहुत एरी, और जिससे गाड़ी काफ़ी एरी फील होती है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका सनरूफ। ये देखिए, काफी बढ़िया ह्यूज सनरूफ दी गई है। ये इसका ग्लास ओपन हो गया और इसमें से रियर सीट में बैठे तीनों लोग एक साथ आराम से इससे बाहर निकल सकते हैं, नजारों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए बंद कर देते हैं इसकी सनरूफ को, क्योंकि काफी धूप आ रही है और मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इसकी सनरूफ को कर देते हैं क्लोज। तो कुछ इस तरह से इसका कर्टेन हो जाता है बंद। एंड गाइस, इसका जो सनरूफ आता है वो एंटी पिंच फंक्शन के साथ आता है। अगर उसके उससे बाहर कोई बंदा निकले और सडनली आपने गलती से बटन प्रेस कर दिया या वॉइस कमांड दे दी और आपकी आपका ग्लास क्लोज होने लग गया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो बंदा वहाँ निकले उसको किसी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, क्योंकि एंटी पिंच फंक्शन के साथ आया। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट से टकराएगा वो वापस फिर से चला जाएगा। और सेम यही जो ड्राइवर साइड की विंडो देगी उसमें जो ग्लास है वो भी एंटी पिंच फंक्शन के साथ आता है। तो बात कर लेते हैं इसकी रियर सीट के ग्लास की। तो देखिए, इस ग्लास पे हमारे को मिलता है कर्टेन जो कि सनसेट का काम करता है। ये डिफ़ॉल्ट कंपनी की ओर से दिया गया है। जब आपको जो पीछे बैठे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, और अगर काफ़ी धूप लगती है तो उस कर्टेन को अपना रेज कर सकते हैं और अपना डायरेक्ट सनलाइट से यू रेज से बच सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका कर्टेन। तो गाइज, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर छुपा रहता है, इसको हम ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं और ये डायरेक्ट इसका कर्टेन आ गया। यहाँ इस पे दो लॉक्स दिए गए हैं, एक लॉक ये और एक लॉक यहाँ पर को दिया गया। इन दोनों लॉक्स पे इसको हम एडजस्ट करके बस ये आपका कर्टेन इस पर रहिए, इस पर चढ़िए। अब बाहर से जो सनराइज आएगी वो अंदर डायरेक्ट अंदर नहीं आ पाएगी और आप धूप से बचे हुए रहिए। तो गाइज, बात कर लेते हैं इसकी ब्लू लिंक फीचर की। तो हुंडई क्रेटा आपको प्रोवाइड करती है ब्लू लिंक फीचर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का एक फीचर है। और हुंडई क्लेम करती है कि 50 प्लस फंक्शन ही सपोर्ट करता है। तो जो हमारी इस पर पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, आप चाहें तो उसको वॉइस कमांड के द्वारा भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उसका भी डेमो, लाइव डेमो। और वॉइस कमांड के द्वारा आप क्रिकेट का लाइव स्कोर जान सकते हैं। एंड किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ आप अननोन हैं, वहाँ किसी को नहीं जानते, तो आपको अगर वहाँ कोई पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट किसी सिटी पर ढूंढना है तो वो भी आपका काम करके ये फीचर आपको देगा। तो बस आपने एक कमांड देनी है, आपने बोलना है हेलो ब्लू लिंक, आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, मैं आपको इसकी सनरूफ खोल के दिखाता हूँ। हेलो ब्लू लिंक, ओपन द सनरूफ। ओपनिंग द सनरूफ। Hello, Blue Link. Close the sunroof. Closing the sunroof. तो चलिए आइए जानते हैं क्रिकेट का लाइव स्कोर। Hello, Blue Link. क्रिकेट स्कोर। Afghanistan was scheduled to begin playing against Sri Lanka soon. Afghanistan are playing Sri Lanka Sunday, November 27th at 2 p.m. फ्रेंड्स, आपने देखे ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के कुछ फीचर्स। कंपनी क्लेम करती है कि ब्लू लिंक 50 प्लस फीचर्स को सपोर्ट करता है, और इसके लिए आपको अपने एक स्मार्टफोन पे ब्लू लिंक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसे अपने व्हीकल के VIN नंबर से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके बाद आपकी ये सर्विस एक्टिव हो जाती है। जब आप नई गाड़ी परचेज करेंगे तो 3 साल के लिए आपको ये सर्विस कंपनी एक्टिव करके देगी। आफ्टर दैट इसका फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। गाइज, इस पर रियर सीट्स पर भी LED लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये LED लाइट आपकी ग्लो करने लगेगी रीडिंग लैंप पे,
और दूसरे पैसेंजर साइड पे भी दी गई है, ये देखिए। और सेम दो लाइट्स आपको आगे भी प्रोवाइड की गई है, ये देखिए। और इसके साथ ही इस पे दिया गया है आपका ये सनग्लास होल्डर, आप अपने गॉगल सनग्लास यहाँ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे फीचर्स आपके साथ शेयर कर दिए। इसके बाद भी कोई फीचर इसका बताने से रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में चाहते तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और आपको क्रेटा से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या आप कोई वीडियो देखना चाहते तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा भी बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो लेके आऊँ। गाइज, मुझे सबसे अच्छी बात इस गाड़ी पर इसका इंजन लगा, काफ़ी टॉर्की और पंची इंजन मुझे इसका लगा। 1000 RPM पर आपको एक पंच प्रोवाइड करता है, जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप अगर एक्सीलेटर छोड़ देंगे 1000 RPM पे खुद ही आपको ड्राइव करके ले जाएगी और काफ़ी अच्छा सा टॉर्क मिलेगा, बहुत पंचेस पे मिलता है आपको। और हाईवेज पे ये 21 से 22 के बीच में एवरेज इसने मुझे दिया हुआ है, और सिटी पे 15, 16, 17, 18 सिटी पे 17, 18 का एवरेज इसने मुझे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ और पॉजिटिव पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हुए हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो 100% तो कोई सही नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है इसके पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके नेगेटिव्स बहुत कम हैं। तो मुझे अभी तक 2 साल के एक्सपीरियंस में यही रहा इस गाड़ी के साथ कि जिसमें 2 प्रॉब्लम्स फेस आई है। जो इसके फ्रंट सस्पेंशन है काफ़ी स्टीप है, तो छोटे से गड्ढे में भी काफ़ी महसूस होने लग जाते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो मुझे महसूस हुआ पर्सनली मुझे, वो आपको क्या लगता है ये मैं नहीं कह सकता। जब मैं इसको हाईवे पर ड्राइव कर रहा था तो इसकी जो हेडलाइट का थ्रो था तो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। तो अगर कंपनी उन्हीं इसके ट्रायब हेडलैम्प को काफ़ी अगर थोड़ा सा और इसकी ब्राइटनेस और तेज़ करी तो काफ़ी बेटर होता। इसके हेडलैम्प की ब्राइटनेस थोड़ी कम होने की वजह से मुझे इसके प्रॉब्लम अपग्रेड करवाना पड़े। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक भी करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन फ्यूचर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए क्रेटा से रिलेटेड आप मुझे ज़रूर बताएं। आई होप मैं बहुत जल्दी वो वीडियो आपको लेके आऊँगा। टिल देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के संग, गुड बाय। फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा।